गेट से बाहर निकलेंगे। चंद्र के दूता हनुमंता आंजनेया बल।
Yeah.
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ವಿಭೂಷಿತ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಜಗದ್ಗುರು ರಾಮಾನಂದಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಂಸ ದಿವಾಚಾರ್ಯ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಸಾನಿಧ್ಯ ಮೇ ಆಜ್ ಆಪ್ ಔರ್ ಹಮ್ ಸಬ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಹೈ ನಮನ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹೂಂಗಿ ವಂದನ್ ಕರ್ನಾ ಚಾಹೂಂಗಿ ಗುರುದೇವ್ ಕೆ ಶ್ರೀ ಚರಣೋ ಮೇ ಔರ್ ಆಜ್ ಹಮೇ ಇಸ್ ಶಿವಿರ್ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಸಾನಿಧ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ರಹಾ ಹೈ ಪರಮ ಪೂಜನೀಯ ಪರಮ ವಂದನೀಯ ಪರಮ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗೋವಿಂದ ದೇವ್ ಗಿರಿ ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಾ ಮಹಾರಾಜ್ ಶ್ರೀ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ನಮನ್ ಕರ್ತಿ ಹೂ ವಂದನ್ ಕರ್ತಿ ಹೂ ಔರ್ ಸಾಥ್ ಹಿ ಸಾಥ್ ಇಸ್ ಸಭಾಗಾರ ಮೇ ಉಪಸ್ಥಿತ ಸಭಿ ಗಣಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಜನೋ ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ ಕರ್ತಿ ಹೂ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಕಿ ಭೂಮಿ ತೀರ್ಥರಾಜ್ ಮೇ ಕುಂಭ ಮೇಳಾ ಶಿವಿರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ 16 ಮೇ ಇಸ್ ವಕ್ತ ಆಪ್ ಉಪಸ್ಥಿತ ಹರಿ ಓಂ ಔರ್ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾ ಶುಭಾರಂಭ ಹೋನೆ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾರಾಜ್ ಶ್ರೀ ಹನುಮಂತ ಕಥಾ ಕೆ ಸಾಥ್ ಆಜ್ ಕೆ ಇಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾ ಶುಭಾರಂಭ ಕರೆಂಗೆ ಹಮಾರೆ ಗಣಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿ ಹಮಾರೆ ಬೀಚ್ ಹೈ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ ಕರುಂಗಿ ಪ್ರಯಾಗರಾಜ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಪಂಕಜ್ ಮಿತ್ತಲ್ ಜಿ ಕಾ ಸಾಥ್ ಹಿ ಸಾಥ್ ಗಣಮಾನ್ಯ ಸಂತ ಜನೋ ಕಾ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಕಾ ಆಜ್ ಸಭಿ ಕೆ ಬೀಚ್ ಯಹಾಂ ಪರ್ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಹನುಮಂತ ಕಥಾ ಕಾ ಶುಭಾರಂಭ ಹೋನೆ ಜಾ ರಹಾ ಹೈ ಆಪ್ ಇಸ್ ಅಮೃತಮಯೀ ವಾಣಿ ಕಾ ರಸಪಾನ್ ಕೀಜಿಯೇ ಜಯ ಪಾರಸ್ ಟಿವಿ ಕೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸೆ ಲೈವ್ ಆಪ್ ಸಭಿ ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ ತಿರವರ ಚಾಹ ಸ್ವಾಹಾ ಸೂರ್ಜೋ ವರಚೋ ಜ್ಯೋ ತಿರವರ ಚಾಹ ಸ್ವಾಹಾ ಜ್ಯೋತಿ ಸೂರ್ಜಾಹ ಸೂರ್ಜೋ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವಾಹಾ ಅಗ್ನಿರ್ವರೋತಿಖಾ ಜ್ವರ್ಚಸ್ಮಾನ್ನ आ जाइए इधर से आ जाइए यजमान इधर से आ जाइए। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस धर्म सभा में। मैं महाराज श्री को विनती करूंगा कि परम पूजनीय परम श्रद्धेय व्यास जी आसन ग्रहण करें। हमारे जगतगुरु स्वामी जी के सानिध्य में हमारे यजमान परिवार श्री इंद्रमल गुप्ता जी, हेमराज गुप्ता जी, श्री शादीलाल जी, श्री गिरिराज प्रसाद गुप्ता जी, श्री लोकेश जी गुप्ता जो मुख्य यजमान है इस कथा के, और साथ में जो सहयजमान है हमारे श्री जगदीश सोंथलिया जी एवं परिवार जो हैदराबाद से है। मैं आप सभी यजमान परिवार से प्रार्थना करता हूँ स्वामी जी के साथ मिलकर हम व्यास जी का पूजन करेंगे। आप सभी का भी स्वागत करता हुआ मैं चाहूंगा जल्द से जल्द हम अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अपने भजन मंडली से भी कहूंगा कि अपना सभी स्थान ग्रहण करें। बहुत धन्यवाद आप सभी भजन मंडली का भी, और उपस्थित आप सबको भी मैं प्रार्थना करता हूँ जल्द से जल्द अपना स्थान यहाँ पर आप सब लोग ग्रहण करेंगे। मध्य सद्गुरु द्वारा मुखार विंदेन हनुमंत कथा श्रवण अंग भूतम वांग्मय स्वरूप ग्रंथराज देवता पूजन पूर्वक आचार्य पूजनंच करिष्ये। तत्रादो निर्दाशितिर्थम् आदो महामङ्गलमूर्तिदेवता स्मरणञ्च करिष्ये। सुमानग्सवराणं गृणोहि ब्रह्माणसुभते कक्षीवन्तञ्च औषिजाः। ग्रन्थराजदेवताभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पैः सौभाग्यद्रव्यैः नानापरिमलद्रव्यैः सम्पूज्य असमे रुद्रामेहना पर्वतासु व्यत्रहत्यै भरहूतौ सजोखाः। जाहाशगुंसते सुवते धायि पज्र इन्द्र ज्येष्ठा अस्माव अवन्तु
ग्रंथराज देवताभ्योर्मह गंधाक्षत पुष्पैः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि ओखधीः प्रतिमोदवं पावतेः परशोवरेः एव सजितवरेर्विरुदाः पारष्णवाः ग्रंथराज देवताभ्योर्मह पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि धूपं दीपं परिकल्पयामि अगरे स्थापित नैवेद्यम् प्राणदा अपानदा व्यानदा वरचोदा परिबोधाः अन्यासे असमत्तपन्तु हेतयः पावको असमभ्यग् शिवो भव नैवेद्यं समर्पयामि मध्ये मध्ये पाणियं पुनर्नैवेद्यं समर्पयामि उत्तरापोषणं हस्तामुखप्रक्षालनं समर्पयामि सपुष्पचन्दनं समर्पयामि वीडापूगीफलताम्बूलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि दास्यमान् दक्षिणां समर्पयामि जकरादानं जत्पूरतञ्जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैषवकर्मणः स्वर्देवेखो नो दधत प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वयं वानरयोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आचार्यपूजनं बृहदवते अतीयदरजो अरेहाद्युमद्विभातिकरतु मज्जनेखो छावासारे तपर जात तत समा सुदर वीणं देहि चितरं देव सविताः परसुवाजज्ञं परसुवाजज्ञपति भगाय दिव्यो गन्धर्वाः केतपूः केतन्नाः पुरातव्वा स्वद्रवाचन्नाः स्वदतु श्रद्धायै मेदायै कामायेन्द्रियाय ता अहं मृदगृह्णामि दशसा च भगेन च जदूवदीयमुदरसियापवातिज आमस्य करविखो गन्धो अस्ति सुकृता तच्छामि ताराः कृण्वन्तु तमेधग्मु श्रेतपाकं पचन्तु पादुका का पूजन और स्वामी जी का पूजन के पादुका पूजन और स्वामी जी का पूजन करने के लिए आए हाँ हाँ माला ले नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः बृहजवते सवितर बोध येन गो सद्गो शेषाधि वरधयैन महते सौभगायाश्विना ध्वरज सौविधागनिन्दुवशियत घृतैर्बोधयता तिथिं आस्मिन्नव्याजुहोतन उपतवागने दिविकमतीर्देहातीर्जन्तु हर्जत सोगतव समिधो मम भुवाः स्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीवग्वारिम्णा तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनिपरिष्ठे गरिमन्नादमन्नाद्याय दधे वसोः पवितरमशिषतधारम् वसोः पवितरमशिषहदरधारम्
देवस्तवासविता पुनादुप्वसो पवितरेण शतधारेण स्ववाकामरुक्षाः योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः धामं शिवशिराभदेहं धनुजवनकृशाणौ ज्ञानिनामग्रगण्यौ सकलगुणनिधानौ वानरानामधीशौ रघुपतिप्रियभक्तौ वातजातं नमामि पवनसुतहनुमान् भगवान् की जय जय बजरंग बलि प्रभु जय बजरंग बलि जपनी शरण तुम्हारी जपनी शरण तुम्हारी अब सब विपद टली ओ जय बजरंग बलि राम काज के कारण सिंधु प्रभु पार किया सिंधु आप तग्रस्त जनों के तुम ही हो बंधु ओ जय बजरंग बली राक्षसवन चारा बलं राजा
करता हुआ आप सभी का संत महात्मा एवं उपस्थित आप सभी हरि भक्तों का स्वामी जगन्नाथ धाम ट्रस्ट की ओर से हृदय से स्वागत करता हुआ परम कृपालु परमात्मा की हम सबके ऊपर यह कृपा है कि हम कुंभ मेला के इस शुभ अवसर पर प्रयागराज क्षेत्र में माँ गंगा की गोद में बैठकर हम कथा का रसपान कर रहे हैं। कई जन्मों का हमारा यह पुण्य होगा जो यह शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है। स्वामी जगन्नाथ धाम ट्रस्ट की ओर से अलग अलग कथाओं का यहाँ पर आयोजन किया गया है, अलग अलग कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन किया गया है। आप देख ही रहे हैं कि एक भव्य शिविर का आयोजन करते हुए यहाँ पर ज्ञान दान का भी कार्य हो रहा है, यहाँ अन्नदान का भी कार्य हो रहा है, नक्षत्र भी चल रहा है, अनेकों कार्य यहाँ पर शिविर के द्वारा चल रहे हैं। याग भी चल रहा है, अखंड रामचरितमानस का पाठ यहाँ पर चल रहा है और संपूर्ण दिन में भी दिन भर यहाँ पर अलग अलग कार्यक्रमों के द्वारा राष्ट्र जागरण धर्म जागरण का कार्य यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर मंथन हो रहा है जिससे अमृत की प्राप्ति हो और सब अमृत का पान करे और अपने तेज को धारण करें, अपनी चेतना को प्रकट करें। तो मैं इसलिए धन्यवाद देना चाहूँगा हृदय से हमारे परमादरणीय, हमारे परम श्रद्धेय, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके पावन सानिध्य में बैठकर हम इस आयोजन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे हमारे अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज, इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हुआ, हृदय से अभिवादन करता हुआ मैं बहुत ही शिविर के माध्यम से, आयोजन के माध्यम से अपनी प्रसन्नता को व्यक्त करता हुआ कि आज हम सबका सद्भाग्य है। हनुमान जी महाराज का नाम अपने आप में दिव्य है और भी हनुमान जी महाराज का जो चरित्र है वो और हमारे हृदय तक वो चरित्र पहुँचे, वही ऊर्जा, वही चेतना, वही उत्साह, वही जोश और वही भगवान राम का काम हम सब मिलकर कर पाए, इसलिए उस हनुमान जी महाराज के भक्ति को जगाने के लिए, हनुमान जी महाराज के चरित्र को हम सब के हृदय तक पहुँचाने के लिए ऐसे ही एक दिव्य महात्मा आज हमारे बीच उपस्थित है। परम श्रद्धेय, परम आदरणीय हमारे भारत के जो सम्माननीय संत है,
हमारे भारत के जो रत्न हैं, जिनका नाम हम सब सुने हैं, जिनको अलग अलग कथाओं के माध्यम से हमने सुना है, पूरे विश्व में, भारत और भारत के बाहर भी सभी देशों में महाराज श्री का नाम है, स्वामी जी का नाम है। और स्वामी जी का यह जो कार्य है, वो भगवान के वेदों के बारे में हो, वो शास्त्र उपनिषद पुराणों के बारे में हो, संस्कृत भाषा के लिए हो, राष्ट्र को मजबूत कराने का जो हर कार्य है, जिससे राष्ट्र मजबूत बने, राष्ट्र को चेतना मिले, राष्ट्र जागृत हो, ऐसे सारे कार्यों को हमारे पूज्य स्वामी जी कर रहे हैं। हमें बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे शिविर में हनुमंत कथा शुरू हो रही है और ऐसे वक्ता के द्वारा ये हनुमंत कथा हम सुनने जा रहे हैं कि जो हनुमान जी की तरह ही एक राष्ट्र जागरण का, राम का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे स्वामी पूजनीय परम श्रद्धेय स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, इनका इस पंडाल में, इस धर्म सभा में, इस शिविर में मैं हृदय से स्वागत करता हुआ मैं चाहूंगा एक बार ताली बजाते हुए करतल ध्वनि के द्वारा हम स्वामी जी का अभिवादन करें, स्वामी जी को धन्यवाद दें कि स्वामी जी ने यहाँ हम सब के लिए आज समय निकाला है। तो इस शिविर में आयोजित यह हनुमंत कथा और हनुमंत कथा का आज यहाँ पर हनुमंत कथा शुरू होने जा रही है। हमने शुरुआत में देखा आज हमारे पूज्य व्यास जी के साथ में, हमारे जगत गुरु स्वामी जी के साथ में हमारे श्रद्धेय जस्टिस पंकज मित्तल जी भी प्रयागराज हाई कोर्ट से जो है वो भी आज यहाँ उपस्थित है। उनके द्वारा दीप प्रज्वलन भी यहाँ पर आज के इस शिविर का, इस कथा का किया गया। तो इस अवसर पर मैं चाहूँगा कि आप उपस्थित है तो आप भी थोड़ा समय हमें मार्गदर्शन करें। हमारे जस्टिस पंकज मित्तल जी को मैं प्रार्थना करूंगा शिविर की ओर से कि आप भी हमें थोड़े समय के लिए हमें मार्गदर्शन करें। परम श्री गुरु चरणों में मेरा सादर नमन। उपस्थित भक्तजन, श्रद्धालुगण, संगम की ये पावन धरा और माँ गंगा की पवित्र धारा, यह मेरा सौभाग्य है कि इस तीर्थराज प्रयाग में आज मुझे बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों का सानिध्य प्राप्त हुआ है, साधु संतों की संगत मिली है, यह मेरा बहुत सौभाग्य है। स्वामी हंसानंद जी ने मुझे दीप प्रज्वलन का अवसर दिया, मेरे को बड़ा हर्ष है कि आज इस कुंभ के अवसर पर कहीं मेरे द्वारा एक ज्योति तो जलाई गई और मैं समझता हूँ कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुगण इसी प्रकार से अगर ज्योति जलाएंगे तो हमारा भारत जो है एक बहुत ही कीर्तिमय स्थिति में पहुंचेगा। इस मंच पे जहां इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि उपस्थित हैं, मेरा कुछ भी कहना सूर्य को दिया दिखाने बराबर है, इसलिए बस कुंभ की सार्थकता और हम लोग अपने जीवन को एक अच्छे तरीके से जिएं, इसके साथ, इस प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय धर्म, जय हिंद। हमारे जस्टिस पंकज मित्तल जी को बहुत बहुत अभिवादन करता हुआ मैं आप सबसे भी अनुरोध करूँगा कि आज ऐसे राष्ट्रीय वक्ता हमारे बीच उपस्थित है तो जितना हम लाभ ले सके उतना हम लाभ लेने की कोशिश करें। मैं आप सबसे प्रार्थना भी करूंगा कि समय से हम यहाँ उपस्थित रहे और हर रोज कथा का रसपान यहाँ पर हम करें, ऐसा समय हमें बार बार नहीं मिलता। और मैं इस समय हमारे बीच उपस्थित है हमारे उड़ीसा के हमारे स्वामी जी
शंकरानंद जी भी आज यहाँ पर उपस्थित है, जिनके साथ में हमारी कीर्तन मंडली भी यहाँ उपस्थित है और कई विदेशी भाई बहन भी यहाँ हमारे बीच स्वामी जी के साथ जो पधारे वो उपस्थित है। ऐसे हमारे श्रद्धेय स्वामी जी को मैं प्रार्थना करूँगा कि हमें कुछ समय के लिए मार्गदर्शन करें और आशीर्वाद दें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य परमाराध्य रामानंदाचार्य स्वामी हंसदेवाचार्य के चरणों में प्रणाम करता हुआ सब महात्मा मंच पर विराजमान है सबको प्रणाम करता हुआ हमारे स्वामी गोविंद देव जी गिरी जी महाराज आज इतना बड़ा भार उनके ऊपर दिया गया है जो कि हनुमान का कथा हनुमान का कथा मतलब श्री रामचरित राम का कथा रामायण का कथा हनुमान नहीं तो कुछ नहीं रामायण नहीं राम भी नहीं भक्त नहीं तो भगवान नहीं। तो इतना बड़ा महान भक्त हनुमान ये महान कथा आज कहेंगे सबके सामने और हम पहले हमारे कीर्तन पार्टी जो आए हैं और ऑल माय फॉरेन डिसाइपल्स दोज हु आर प्रेजेंट हियर आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ देम टू अटेंड दिस फंक्शन ऑल द टाइम एवरी डे एट दिस टाइम। सब लोग यहाँ आके ये कथा सुनना चाहिए। गंगा मैया के गोद में बैठे हुए महाराज श्री हर रोज बोल रहे हैं कि गंगा यमुना का स्नान तो हो रहा है सरस्वती जी को कोई दिखा नहीं। महाराज खुद बोले हैं कि हम साक्षात सरस्वती का दर्शन कराएंगे और हर रोज इस मंच पर सरस्वती जी का सरस्वती मैया का दर्शन हो रहा है और सरस्वती में हम लोग स्नान भी हो रहा है। और महाराज इतना कष्ट करके इतना काम किए हैं आप इस पंडाल में खाली नहीं इस शिविर में आप जहां पर भी देखो जहां भी जाओ इतना सुंदर व्यवस्था ऐसा पंडाल तो हम कहीं नहीं देखा था आज तक। वाह हम विदेश भी गए हैं हम अल्बर्ट हॉल में भी गए हैं विदेश में लेकिन ये पंडाल कुछ अनोखा है। और ये पंडाल में जैसे सरस्वती मैया का धारा बह रहा है इसलिए ऐसे एक ऐसा एक दिव्य समय पर सबको हम आह्वान करते हैं वंदन करते हैं और महाराज के ओर से सबको यहाँ आने के लिए निमंत्रण करते हैं। इतने इतना बोले हम
अपना वाणी को महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करके वाणी को विराम दे रहा हूं। स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हुआ हम सब जितना लाभ ले सके उतना लाभ ले, ये चरित्र दिव्य है और हमारा सद्भाग्य है, स्वामी जी की कृपा है, जगतगुरु स्वामी जी की, कि ऐसे ही दिव्य महात्मा इस कथा के लिए हमें प्राप्त हुए है। मैं हृदयापासून स्वामी जींचं स्वागत पण करतो, या शिबिरात धन्यवाद पण देतो। स्वामीजींनी आपल्या सगळ्यांना इथं वेळ दिला, इथं स्वामीजी आलेत आणि स्वामीजींचं हृदयापासून मराठीतून पण मी स्वागत करतो। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। तो इसके बाद मैं चाहूँगा जिनकी कृपा छत्र के नीचे यह शिविर चल रहा है, जिनकी ही कृपा है कि यहाँ आनंद की बरसात हो रही है और जिनकी कृपा से ही यहाँ, जैसे स्वामी जी ने कहा कि सरस्वती मैया का भी यहाँ हम स्नान कर रहे हैं, ऐसे हमारे अनंत श्री विभूषित श्रीमद् जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी हंस देवाचार्य जी महाराज, जो हमारी प्रेरणा है, जो हमारे प्राण है, जो हमारे विश्वास है और जो हमारा जीवन है, और जिन्होंने पूरा अपना जीवन इस भारतवर्ष के लिए, इस भारत भूमि के लिए, यहाँ के संस्कृति के लिए, और जो परोपकार हम स्वामी जी में देखते हैं, जो भी स्वभाव है, जो जीवन है, वो पूरा जीवन स्वामी जी का इस देश के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित है, जो पूरा रात दिन इस राष्ट्र के जागरण में लगे हैं, ऐसे हमारे परम श्रद्धेय जगत गुरु स्वामी जी को मैं प्रार्थना करूंगा कि वह हमें आशीर्वाद दे और हमें कृतकृत्य करे। पूज्य स्वामी जी, श्री सीतानाथ समारंभाम, श्री रामानंदारी मध्यमाम, अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे श्री गुरु परंपराम, रामानंद स्वम राम प्रादुर्भूत महीतले, रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यं रामनाम वरानने, आपदाम अपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। अतुलित बलधामं हिम शैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानीनाम अगरगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हरिओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनायवधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति ही शांति शांति। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगताधार आनंद कंद सच्चिदानंद परमानंद अखंडानंद कारण करुणावरणालय भगवान श्री राम रघुनंदन मारुति नंदन के चरणों में बारंबार कोटिशाह दंडवत प्रणाम करते हुए पुने सलीला भगवती भागीरथी माँ गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी माधव वेणी माधव और समस्त प्रयाग की धरती पर इस समय माघ मकरगत रवि जब होई तीर्थपति आवे सब कोई यहाँ देव तनुज नरकिन्नर श्रेणी सादर मज्जही सकल त्रिवेणी यहाँ देवता काओं की वास हो रहा है, मनुष्यों का वास हो रहा है और नर श्रेणी किन्नर इत्यादि जितनी श्रेणियां हैं और ये एक एक नहीं अकेले नहीं श्रेणियों में यानी कि समूहों में यहाँ पर सब उपस्थित हैं और ऐसी धरा पर वो कुछ प्रोक्ष में दिखाई दे रहे हैं, कुछ अप्रोक्ष रूप से कुछ दिखलाई दे रहे हैं, कुछ नहीं दिखलाई दे रहे, परंतु सभी वास करें कुछ पशुओं के रूप में, कुछ पक्षी के रूप में, कुछ मनुष्य के रूप में, कुछ साधुओं के रूप में, कुछ मनुष्यों के रूप में, सभी लोगों का निवास यहाँ पर हो रहा है। ऐसी पावन धरा, पवित्र धरा और स्वामी जगन्नाथ धाम इसके कथा मंडप के से पावन इसमें आज आप और हम सब लोग एक ऐसी दिव्य और भव्य
जहाँ दिव्य और भव्य कुंभ की बात कर रहे हैं वहाँ दिव्य और भव्य कथाओं की चर्चा भी करें, क्योंकि बिना दिव्य और भव्य कथाओं के ये कुंभ दिव्य और भव्य नहीं हो सकता। कुंभ की दिव्यता और भव्यता परमात्मा नाम से होती है, भगवत नाम से होती है, भगवान के भक्तों के नाम से होती है। इसलिए इस कथा क्रम में कल श्रीमद् भागवत के अंतर्गत श्री गोपी गीत की कथा का कल विराम हुआ, यहाँ पर समापन नहीं हुआ, विराम हुआ। और आज द्वितीय कथा श्री हनुमंत कथा परम पूज्य स्वनाम धन्य भारतवर्ष के नहीं अपितु विश्व के एक श्रेष्ठ विद्वान कहूँ तो अतिशयोक्ति ना होगी। आधिकारिक वक्ता कहूँ और जिनका शास्त्रों पर अधिकार है ये कहूँ, जिन्होंने शास्त्रों को अपने जीवन में जिया है ये कहूँ, अर्थात वेद का प्रचार प्रसार जिन्होंने किया ये कहूँ, तो इन सबको कहने में अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे हमारे जो श्रीमद् भागवत कथा हो, श्रीमद् देवी भागवत कथा हो, अन्य अन्य पुराणों की कथा हो, श्री महाभारत कथा हो, श्री राम कथा हो, श्री हनुमंत कथा हो, अनेक पुराणों पर, ग्रंथों पर, वेदों पर जिनका अधिकार है, ऐसे विद्वान वक्ता श्री स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज का बहुत बहुत मैं यहाँ अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज जिनके हाथों से दीप प्रज्वलन हुआ, ऐसे प्रयागराज, वैसे तो अभी कागजों में इलाहाबाद चल रहा हाई कोर्ट का, परंतु मैं प्रयागराज ही बोलता हूँ, प्रयागराज उच्च न्यायालय के जस्टिस श्री पंकज मित्तल जी यहाँ आए थे केवल दर्शन के लिए। हमने कहा आप आ गए हो तो कोर्ट में लोगों को अपने हिसाब से खड़ा करते हो, सुबह आओ शाम को जाओ, आज ये ठाकुर जी की कोर्ट में आप आओ, जब हम कहें तब जाओ। तो उन्होंने हमारा आग्रह स्वीकार कर लिया, क्योंकि वहाँ उनकी चलती, यहाँ हमारी चलती है। एनी डाउट आई एम सेइंग टू यू, ओके। और बहुत सरल हैं, सरल ना होते तो संतों के पास ना आते, सरल ना होते तो संतों की बात ना मानते, पद का अभिमान नहीं। और हनुमान जी की कथा अहंकार का त्याग करने का ही सबसे बड़ा एक साधन है। हनुमान जी ने अपने जीवन में अहंकार का त्याग कर दिया, अहम को छोड़ दिया। जिसने अपने अहंकार का मान मर्दन कर दिया, अहंकार को छोड़ दिया वो, और मुझे लगता है तो ये भी तो अपने पद के अहंकार को छोड़कर आज हनुमंत कथा में आए, ये इसका जीता जागता एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। और उनके साथ में अपनी मंडली के सहित पधारे हुए हमारे उड़ीसा प्रांत के संत समिति के प्रांतीय अध्यक्ष स्वामी शंकरानंद गिरी जी, पूरे विदेशों में कम से कम 27 आश्रम हैं इनके पूरे विदेशों में, और यह भारत में भी बहुत हैं। और ऐसे सरल हमने इनको कहा कि अब आप भी आ गए हो तो जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक पाणी कीर्तन मंडली के साथ वापस नहीं जाना है, मान लिया है ना आपने? आर यू एग्री? एग्री, मेरी लेखनी ऐसी है। हमारे चित्रकूट धाम के स्वामी श्री महंत रामकृष्ण दास जी, हमारे साथ सेवा में हर समय तत्पर रहने वाले संत गुरमाल सिंह जी, और इस संपूर्ण आयोजन के मंचों का सफल संचालन जिनकी जिम्मेवारी है, निर्मल अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं, पहली कथा जिनके द्वारा यहाँ आयोजन प्रारंभ हुआ 10 जनवरी से 19 जनवरी तक 10 दिनों तक जिन्होंने श्रीमद् भागवत से श्री गोपी गीत की कथा यहाँ की, ऐसे महामंडलेश्वर जनार्दन हरि जी महाराज। इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में हमारे लाला इंद्रमल गुप्ता जी, उनका परिवार हेमराज एंड ब्रदर्स, और दूसरे हैदराबाद के सह यजमान के रूप में साथलिया जी, जगदीश जी सोनथलिया, जगदीश जी सोनथलिया और उनका परिवार, उपस्थित हमारे सभी संत विरक्त महात्मा संकीर्तनकार देव स्वरूप पुरुषो भगवती वे शक्ति स्वरूपा मातृ शक्ति विदेविया। श्री हनुमंत कथा के बारे में अभी स्वामी जी ने बताया, भगवान कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मैं अपने से ज़्यादा अपने संतों और भक्तों का जब गायन होता है तो मैं बड़ा प्रसन्न हो जाता हूँ।
श्री राम जी को प्रसन्न करने का, राम जी को खुश करने का, कहते भगवान कैसे राजी होवे, भगवान कैसे प्रसन्न हो, भगवान कैसे राजी होवे। लोग कहते भगवान का बड़ा मंदिर बना दो राजी हो जाएगा, भगवान को बहुत छप्पन भोग रखा दो राजी हो जाएगा, भगवान के लिए बड़े बड़े मेवा मिष्ठान ले जाओ, धन अर्पण कर दो, भगवान राजी हो जाएगा। मेरी दृष्टि में जो मेरा अनुभव कहता है, भगवान इन सब से राजी नहीं होता है। भगवान किससे राजी होता है? भगवान राजी होता है रामचरितमानस में आया कि मानत सुख सेवक सेवकाई सेवक बैर बैर अधिकारी। भगवान कब राजी होते हैं? कहते जब भगवान के भक्तों की सेवा करो, भगवान के भक्तों की प्रशंसा करो, भगवान के भक्तों के गीत को गाओ, तो मेरे राम जी राजी हो जाएंगे। तो हनुमान जी महाराज की कथा, भगवान के भक्त कथा करने का मतलब मेरे राम को प्रसन्न करना है। किसी एक बात बताइए, आपके बेटे की कोई प्रशंसा करे, आप राजी होते हो कि नाराज होते हो? आप प्रसन्न हो जाएंगे। कोई किसी के पर आजकल गुरु चेले में तो गड़बड़ है, कोई चेले की प्रशंसा करे तो गुरु जी नाराज हो जाते हैं। परंतु अगर कोई बेटे की प्रशंसा कर दे, उसका पिता राजी हो जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है, फूल जाता है, प्रसन्न हो जाता है और कहता जो मांगे सो देऊं। ऐसे ही मेरे राम जी कहते हैं, जो मेरे भक्तों की, मेरे संतों की बड़ाई करता है, मैं उन पर राजी हो जाता हूं। अब मेरे राम जी को राजी करना हो तो किसकी कथा होनी चाहिए? हनुमान जी कथा होनी चाहिए। और जब हमने चर्चा की तो स्वामी जी ने कहा, अगर आप कहें तो प्रयाग की धरती पर, शायद आप भी पहली बार हनुमंत कथा कर रहे हैं प्रयाग कुंभों में, अनेक कुंभों में श्री महाभारत की कथा मैंने आपसे सुनी, श्रीमद् देवी भागवत मैंने सुनी, श्री राम कथा मैंने सुनी, अनेक अनेक ग्रंथों पर, परंतु हनुमंत कथा भी सुनने का अवसर, तो मैंने भी सहर्ष जो है प्रसन्नता व्यक्त की कि अब की बार अलग अलग। फिर मैंने यजमान से पूछा, भाई तेरे को कौन सी कथा सुननी है? बोला हमें तो स्वामी गोविंद देव गिरी जी के मुख से अनेकों कथाएं सुनी, हेमराज जी और उनके परिवार से हमने कहा, तो आपने हनुमंत कथा बताई? मैंने कि पांच कथा होगी, बोल कौन सी में तुझे यजमान बनना है? तो बोलते स्वामी गोविंद देव गिरी जी के मुख से श्री हनुमंत कथा का यजमान मुझे बना दो। तो उन्होंने भी प्रसन्नता व्यक्त की। तो हनुमान जी की कथा मेरे राम को राजी करेगी। मानत सुख सेवक सेवकाई, कहते सेवक की सेवा करने से मेरे राम जी राजी हो जाते हैं। सेवक बैर बैर अधिकाई, जो भगवान के भक्तों से बैर करता है वो सीधा भगवान से बैर करता है, जो भगवान के भक्तों से प्रेम करता है वो सीधे सीधे भगवान से प्रेम करता है। मैं समय अधिक न लूँ, बोलने को मैं ही बोलता रहूँगा, तो फिर जो कथा का एक क्रम है जिसके लिए हम श्रवण करने के लिए हम उपस्थित हुए हैं, प्रतिदिन थोड़ा 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 हम भी अपनी बात कहते रहेंगे, परंतु आज समय अधिक हो रहा है तो हम सब लोग मिल करके व्यास भगवान होते हैं, और वैसे भी ये तो जन्म से भी व्यास हैं, कर्म से भी व्यास हैं, वाणी से भी व्यास हैं, व्यास के और व्यास जी दोनों शैलियों में कथा करते हैं। मैं तो उनको अक्सर कहा करता हूँ, आवश्यकता पड़ती है तो आप व्यास शैली में भी कथा करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर आप समास शैली में भी कथा कर देते हैं, अर्थात थोड़े में भी बहुत समझा देते हैं। ऐसे आधिकारिक वक्ता के रूप में हमें स्वामी गोविंद देव गिरि जी मिले। हमें एक संकल्प लें, इस कुंभ की धरा पर बैठ करके, क्योंकि सत्संग जब तक नहीं सुनेंगे तब तक जीवन में, कथा नहीं सुनेंगे तो जीवन की व्यथाएं समाप्त नहीं हो सकती हैं। हम सब लोग मिल करके व्यास भगवान से प्रार्थना करें कि वो पावन धारा सरस्वती की धारा में हमें स्नान कराएंगे। मैं तो अक्सर कहता ही रहता हूँ, गंगा यमुना में स्नान जाओ करो, परंतु सरस्वती का स्नान तो कथा मंडप में आकर के आपको ये संत कराएंगे, संत कराएंगे। तो इसलिए आए सब लोग मिल करके उनसे प्रार्थना करते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हनुमंत लाल जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। जय जय
श्री सीताराम। सुखैक धाम भूषणं, सुखैक धाम भूषणं, मनोज गर्व खंडनं, मनोज गर्व खंडनं, अनात्म धीवि गर्हणं, अनात्म धीवि गर्हणं, भजे अद्भुतं सुसेव्यमानमद्भुतं, शिवावतारिणं परं, शिवावतारिणं परं, भजेऽहमञ्जनीसुतं, भजेऽहमञ्जनीसुतं, गुणाकरं कृपाकरं, शस्करं, सुशान्तिदं यशस्करं, निजात्मबुद्धिदायकं, निजात्मबुद्धिदायकं, भजेऽहमञ्जनीसुतं, भजेऽहमञ्जनीसुतं, सदैव दुष्टभञ्जनं, सुधर्मवर्धनं, सदा सुधर्मवर्धनं, मुमुक्षुभक्तरञ्जनं, मुमुक्षुभक्तरञ्जनं, भजेऽहमञ्जनीसुतं, भजेऽहमञ्जनीसुतं, रामपादसेविनं, सदात्मरि सुसेवितं, सुभा